जो चीन पूरी दुनिया में अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश करता है, जो चीन अमेरिका को सीधी धमकी देता है, जो चीन पिछले कुछ सालों में दुनिया की एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है, ऐसे बाहुबली चीन को महज 23 साल के एक लड़के ने खुली चुनौती दे डाली है। इस 23 साल के लड़के ने चीन की नाक में दम कर दिया है। बेहद दुबला पतला सा दिखने वाला ये लड़का कोई साधारण लड़का नहीं है। इसका नाम है जोंशुआ वांग चीफंग, जिसने पिछले कुछ दिनों से चीन सरकार की नींद उड़ाकर रखी हुई है। जोंशुआ वांग आज हांगकांग के उन प्रदर्शनकारियों का हीरो है जो अपने देश में लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल अभी हाल ही में हांगकांग प्रशासन ने एक ऐसा बिल लेकर आया था जिसमें यहां के प्रदर्शनकारियों को चीन ले जाकर मुकदमा चलाने की सहमति दी गई थी। यानी अगर हांगकांग में कोई प्रदर्शन करता है तो उस पर सीधा मुकदमा चीन में चलेगा। हांगकांग प्रशासन के इस फैसले को चीन सरकार की दखलअंदाजी के तौर पर देखा गया, जिसका तीखा विरोध शुरू हुआ। जोंशुआ वांग की एक आवाज पर लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर गए। प्रदर्शनकारियों ने हांगकांग एयरपोर्ट तक को कब्जे में ले लिया था। लोगों के गुस्से को देखते हुए हांगकांग प्रशासन को अपना फैसला वापस लेना पड़ा, लेकिन अब जोंशुआ ने एक नई जंग छेड़ दी है। ये आंदोलन अब भी चल रहा है और अब प्रदर्शनकारी लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली की मांग कर रहे हैं। जोंशुआ के इस आंदोलन ने पिछले 10 हफ्तों से चीन सरकार की नींद हराम कर रखी है। दरअसल जोंशुआ वांग पहली बार साल 2014 में दुनिया की नजर में आए थे, जब 18 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार अम्ब्रेला मूवमेंट छेड़ा। इस मूवमेंट में 10,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। ये आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने खुद को पुलिस की आंसू गैस और काली मिर्च स्प्रे से बचाने के लिए छाते का इस्तेमाल किया था। तभी से आंदोलन अम्ब्रेला मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। इसके लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने उनका नाम दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में भी शामिल कर लिया था। महज 19 साल की उम्र में जोंशुआ को दुनिया के महानतम नेताओं में शुमार किया गया। जोंशुआ हांगकांग की डेमोसिस्टो पार्टी के महासचिव हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की हिमायती है। हांगकांग चीन का एक ऐसा हिस्सा है जो स्वतंत्र इकाई का दर्जा रखता है। यही वजह है कि यहाँ के लोग चीनी सरकार के दखल को पसंद नहीं करते। जोंशुआ ने राजनीति में आने से पहले एक छात्र संगठन की भी स्थापना की थी। उनका नाम साल 2018 के नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नामांकित किया जा चुका है, लेकिन इन दिनों तो उन्होंने तानाशाह चीन की शांति भंग कर रखी है।